नमस्कार दोस्तों, बीएड फर्स्ट ईयर थर्ड पेपर से बात करूंगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का उद्देश्य क्षेत्र और इसका कार्य क्षेत्र क्या है। सबसे पहले इसके उद्देश्य को देखें तो समस्त व्यक्तियों द्वारा जो है सर्वोच्च स्तर का स्वास्थ्य प्राप्त करना विश्व स्वास्थ्य संगठन का उद्देश्य है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्य क्षेत्र को देखें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सहायता की जो भी देश आशा रखते हैं उसके लिए कुछ सुविधा प्रदान किया है। इसके लिए 6 क्षेत्रीय संगठन स्थापित किए हैं जो कि इस प्रकार से है। दक्षिण पूर्वी एशिया का दिल्ली मुख्यालय है, अफ्रीका का मुख्यालय ब्राजाविल है, अमेरिका का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी है, यूरोप में जो है इसका कोपेनहेगन है, उसके बाद है पूर्वी मेडिटेरियन इसका मुख्यालय अलेक्जेंड्रा है, पश्चिमी पैसिफिक का मुख्यालय मनीला में है। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन का क्षेत्र और मुख्यालय था। दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1949 को हुई। इस कार्यालय द्वारा भारत, नेपाल, अफगानिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया में जो है सेवाएं प्रदान की जाती है। सभी देश अपनी सामर्थ्य के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन को आर्थिक योगदान देते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सुधार लाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए कार्य क्षेत्र भी बनाया। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो है कार्य क्षेत्र मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण, पर्यावरण स्वास्थ्य, व्यावसायिक शिक्षा, नर्सिंग, जन स्वास्थ्य, जन शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य जो है कार्य क्षेत्र हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो है सदस्यता समस्त राष्ट्रों के लिए खुली है। अधिकांश राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन दोनों के सदस्य हैं, परंतु स्विट्जरलैंड केवल विश्व स्वास्थ्य संगठन का सदस्य है। वर्तमान समय में कोरोना वायरस को लेकर के विश्व स्वास्थ्य संगठन से लोगों का विश्वास उठा है, क्योंकि समय पर ये कोरोना वायरस की बारे में पता नहीं कर पाया और विश्व को जो है अलर्ट नहीं कर पाया, जिससे कि ये घातक बीमारियां विश्वव्यापी बन गया। विश्व में लोगों को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक क्षति पहुँचाई इस वायरस के द्वारा। अभी तक जो है इस पर कोई कंट्रोल नहीं हो पाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य एवं रोग उन्मूलन की दिशा में कई कार्य किए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन संपूर्ण विश्व के स्वास्थ्य संबंधी कार्यों के लिए मार्गदर्शक तथा समन्वय का कार्य करता है। यह संपूर्ण विश्व का सहकारी संगठन है, जिसमें राष्ट्र एक दूसरे की तथा स्वयं अपनी सहायता कर स्वास्थ्य स्तर को जो है ऊँचा उठाने का प्रयत्न करते हैं। इसका प्रमुख जो तत्व है वह तकनीकी सहकारिता है। इसके क्षेत्र हैं विशिष्ट रोगों से बचाव तथा नियंत्रण, विस्तृत सेवा स्वास्थ्य सेवाओं का विकास, पारिवारिक स्वास्थ्य, वातावरणीय स्वास्थ्य है। इसके अलावा स्वास्थ्य सांख्यिकी, स्वास्थ्य संबंधी साहित्य एवं सूचनाएं, जीव चिकित्सीय अनुसंधान, अन्य संगठनों के साथ सहयोग जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्य है। ये था विश्व स्वास्थ्य संगठन से संबंधित प्रश्नों का उत्तर। धन्यवाद।